हेलो एवरीवन, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का रिलेशन दिनों दिन खराब होते जा रहा है। देखो, इससे भारत का फायदा और नुकसान दोनों होगा। जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें। आप अच्छे से जानते हैं, आर्टिकल 370 हटने के बाद से पाकिस्तान कई बार OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में कश्मीर के मुद्दे को उठाने की हर बार कोशिश करता है, लेकिन किसी न किसी वजह से सऊदी अरेबिया या फिर UAE पाकिस्तान के प्रपोजल को रोक देता है। और ये दोनों देश अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान पूरे तरह से चीन के जाल में फंस चुका है। चीन ने पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए इतने लोन दे के रखा है कि पाकिस्तान शायद कभी चुका ही नहीं पाए, और धीरे धीरे चीन पूरे पाकिस्तान पे ही ना कब्जा जमा ले। इस डर से सऊदी और UAE एक कश्मीर इश्यू को लेके भारत से किसी भी हाल में रिश्ता खराब नहीं कर सकता। देखो, पाकिस्तान सऊदी के खराब रिश्ते की वजह से भारत को जितना फायदा होगा, कहीं हो सकता है उससे ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। पहले फायदा बताता हूँ। देखो, चाहे कोई भी इश्यू भारत में मुस्लिम रिलेटेड होता है, उसे पाकिस्तान बढ़ा चढ़ा के हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठाता है। और अगर इस्लामिक वर्ल्ड में बिखरा होगा तो इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान का कोई प्रोपोगंडा नहीं चलेगा। उसके साथ टेरर फंडिंग को रोकने वाली संस्था FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए। उसके साथ साथ भारत पाकिस्तान में हिंदू, सिया मुस्लिम, बलूच और सिंधी पे हो रहे अत्याचार को हर मंच पे उठाएगा तो ज्यादा समर्थन मिलने की उम्मीद है। देखो, इसका नुकसान जो होगा वो भारत ईरान के रिलेशन को लेके हो सकता है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को कच्चे तेल में बहुत रियायत देता है सालों से, लेकिन कुछ दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर सऊदी अरेबिया हर बार कश्मीर मामलों को लेकर ब्लॉक करते रहेगा OIC में, तो पाकिस्तान अलग मीटिंग बुलाएगा इस्लामिक देशों का। इतना कहने का देरी था कि सऊदी अरेबिया ने जो कच्चे तेल को लेके रियायत दे रखा था वो छीन लिया और सारा बकाया पैसा चुकता करने को बोला पाकिस्तान को। देखो, इससे अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से ज्यादा दूरी बनाता है तो उसके लिए फिर ईरान के पास जाने का रास्ता होगा, और चीन पाकिस्तान पे दबाव बनाएगा कि ईरान से ज्यादा तेल खरीदे। उसके बाद चीन पाकिस्तान दोनों मिलके ईरान पे दबाव बना सकता है कि ईरान चाबहार पोर्ट को लेके कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, ताकि भारत का जो सपना है ईरान से होके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक व्यापार करने का, उसको कहीं ना कहीं झटका लगे। देखो, जो भी होगा आपके लिए।